शाम का टाइम है और वैसे यहाँ पे खाना खाने मजा आता है, कुछ और बहुत एकदम देसी खाना, देसी खाना है, बिल्कुल टेस्टी मिल जाती है, बिल्कुल देसी खाना है। देखो अपने पास में बाजरी का है, पानी में लोटो लेने है ना, कड़ी है, वाह ये देखो क्या नाम है, दही है अपने पास में, सलाद है, सब कुछ है। वैसे दही में लहसुन चीनी मिला दो, नमक मिला दो, और भी मजा आएगा अपन को खाने में। कोई बहुत एंजॉय लेते हैं आप यहाँ पर खाना खाते हैं? जी सर बहुत एंजॉय लेते हैं हम। अच्छा क्या विशेष क्या यहाँ पर जो आप इंटरेस्ट है? देसी खाना है, देसी खाना है, बाजरी का सोगरा, बाजरी का सोगरा, क्या बात है। यो विशेष करिए राजू जी जो खाना परोसने का काम करता है ना, रासा बड़ा प्रेम से आप खाना परोसता है सभी को। हमारे विशेष आपका क्या नाम है जी? करण सिंह राठौर नाम है, हमें अपने ये छोटे भाई जैसा ही समझते हैं और वैसे ही खाना परोसते हैं। सर जी आप? मेरा नाम राणो सिंह जी है। अच्छा और यार कुछ समाज सेवा का काम करते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा और आप जी? नरेश ओटला सर। अच्छा कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? जयपुर से सर। बिल्कुल और इंजीनियर सर आप? मैं जी सुशील राणा अलवर से हूँ और मैं IOCL में प्रोजेक्ट इंजीनियर। बहुत अच्छी बात है, तो आप खाने का यहाँ पर आके एंजॉय लेते हैं, बहुत आपको अच्छा लगता है? दोनों टाइम खाना खाते हैं, यहीं खाते हैं, बहुत मजा आता है खाने खाने में। अच्छा ये होटल किस नाम से है? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव नाम से है ना? हाँ जी सर। बहुत अच्छी बात है राजू जी, आपसे ग्राहक बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं, इसका क्या कारण है? असा? क्या कारण है ग्राहक? ग्राहक मैं प्रेम रखता हूँ। अच्छा अच्छा खाना खिलाऊं। अच्छा और अच्छी उम्र सेवा करूं। अच्छा मैंने तो ऐसा भी सुना है कि आप ग्राहक को ऐसे प्रेम देते हो जैसे आप मंदिर में जाते हो भगवान की सेवा करते हो, वैसे कि वैसे ग्राहक को साथ में ही जैसे सेवा करूं। अच्छा इस कारण आपसे मतलब ग्राहक है जो बहुत ही अट्रैक्ट बहुत ही प्रेम रखते हैं। अच्छा तो कभी कभी आपको ग्राहक ऊपर गुस्सा तो नहीं आता है? नहीं बिल्कुल नहीं है। कारण क्या है, क्यों नहीं आता है? भगवान नमस्ते हूँ। अच्छा इस कारण है। ओके बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी आपकी भावना है, मानवीय सेवा है और आप अपने ग्राहकों को भी एक भगवान की तरह मानते हैं, इसलिए क्योंकि कई बार ग्राहक है दूर से आता है, कई बार खाना लेट भी बन जाता है या कुछ भी होता है, घंटा आधा घंटा खाना यही कहीं। अच्छा और भाई चांस गुस्सा होता है तो आपकी प्रतिक्रिया कैसे होती है? नहीं गुस्सा रखते नहीं हूँ। अच्छा एक जैसे एक बच्चा होता है और बच्चा जब माँ से रूठ जाता है, मैं खाना तो आपने लेट दिया, ये दिया, ये दिया, लेकिन माँ बहुत ही प्यार से उस बच्चे को समझा देती है, आप क्या करते हो ग्राहकों के साथ में? आप भी एक माँ की तरह ही समझा दूं भाई 5-10 मिनट रुको सब्जी बन रही है, क्या आपको भी गुस्सा आके उस पे प्लेट वगैरह ऐसे ऐसे कुछ कर देते हो? नहीं। अच्छा ग्राहक के लिए नहीं करें। अच्छा कितने भी गुस्सा होता आप नहीं करें? अच्छा बड़े प्रेम से आप उनके साथ पेश आते हो? उसको कोई गुस्सा आ जाए तो समझा दूं 10 मिनट रुको रोटी लेट हो गई सब्जी बन रही है। अच्छा आप जो ये एक होटल का चलो एक काम है लेकिन सबसे कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख धन और माया, ठीक है, और पहला सुख निरोगी काया कब? अच्छा जब खाना खाते हैं तभी हमारा शरीर है जो स्वस्थ रहता है, लेकिन जब आप ये खाना कैसे जो सात्विक और बच्चा साफ सुथरा बनाते हो, कैसा बनाते हो? साफ सुथरा रासा आप किस दावे से कह सकते हैं कि मेरे यहाँ पर साफ सुथरा और शुद्ध खाना है, उसका क्या कारण है? हमारा खुद का ट्यूबवेल है। हाँ जी ये ट्यूबवेल खेत में ग्वार पड़ी है, हमारे खुद के बाईड़ी है। अच्छा ये थाली में क्या क्या परोसा आपने? एक तो ग्वार पड़ी कासर। अच्छा ये तो राजस्थान की बहुत प्रसिद्ध सब्जी है ग्वार पड़ी और कासर, तो देसी सब्जी है। अच्छा एक कड़ी, कड़ी है, कड़ी तो आज विदेशों के अंदर भी इसकी मांग है, आपके पास में ग्राहक मांगते है कड़ी? ये खूब मांगते है। अच्छा एक है भिंडी। अच्छा बहुत अच्छी बात है। एक घर का दही है गाय का। अच्छा गाय का दही है और दही तो बहुत अच्छी बात है। और ये क्या है ये जो रोटी कैसी गेहूं की क्या है? बाजरे की रोटी है। अच्छा बाजरी रोटी खाने से इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? गैस वगैरह नहीं बने। अच्छा गैस नहीं बनती और इसके क्या क्या है इसका प्रभाव? और खेत की बाजरी है। हाँ लेकिन इसका बिल्कुल एक आपने प्रभाव का कहा जैसे कि भाई इसकी एनर्जी भी मिलती है कि भाई ज्यादा ताकत की है, किसी के अंदर क्या है? ताकत भी है। हाँ और गैस वगैरह नहीं बने। हाँ और अच्छी रोटी है। अच्छा बहुत अच्छी रोटी है। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद रासा। जो शाम का सफर है बाबा रामदेव होटल जो कि ये कहाँ आई हुई है आपकी होटल? ये सेकाला और देहरा के बीच में है जहाँ पर
बहुत सारे लोग बात मिला रहे हैं आपके कारण से ये मिले हैं और ये बड़े चाव से यहाँ पर आके देखो बड़ा शुद्ध और सात्विक खाना है और इनके साथ परिचय हुआ है। ये अलग अलग क्षेत्र के हैं और बड़े चाव से यहाँ पर आके भोजन न केवल भोजन करते यहाँ पर बल्कि एक तो परिवार की तरह रहते हैं। कितना देखो आज के समय में और जो भाई भाई का नहीं होता है, भाई जैसा प्रेम नहीं, भाई जैसा दुश्मन नहीं है, लेकिन ये अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग लोकेशन के होने के बाद में भी इतने प्रेम से रहते हैं, इतने प्यार से रहते हैं, बहुत बड़ी चीज है। राशा बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो चाहता हूँ ईश्वर आप ऐसे ही आपको उन्नति देता रहे और विशेषकर हमारे जो आप करण सिंह जी बहुत ही प्रेम रखते हैं, बहुत ही भाविक आदमी है, बहुत ही सात्विक आदमी है वास्तव में। और ये इंजीनियर साहब, जो इंजीनियर साहब भी एक मानवीय मूल्यों के आधार पर हर व्यक्ति का बहुत अच्छा रखते हैं। और हमारे एक बासा, आइए देखिए होटल का जो दृश्य है, ये होटल का जो दृश्य है कितना साफ सुथरा, एकदम कितना साफ सुथरा वातावरण है और विशेषकर देखो आप कितना खुला सा वातावरण। देखो सड़क का शाम का समय है, शाम का नजारा है, देखो ये रंग बिरंगी जो लाइट है इत्यादि है और पेड़ है और विशेषकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमें इन लोगों से मिलकर इतना खुशी हुई, इतना अच्छा लगा वास्तव के अंदर कि मैं इनको सबको धन्यवाद देता हूँ कि जिंदगी में आप यूं ही उन्नति करते रहो और यूं ही लोगों की सेवा करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राज सोलंकी आपका स्वागत करता हूँ। ये इस होटल के जो मालिक है इनके पिताजी है, बासा क्या नाम आपका? हकाराम। हकाराम जी है, ये अपने खुद के हाथों से सब्जी बनाते हैं, हाथों से रोटी बनाते, बिल्कुल रोटी भी बनाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। और मेरे आपको मैं ऐसे ही नए नए वीडियो आपके सामने दिखाता रहूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप ऐसे ही आगे से आगे बांटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आप सभी का, नमस्कार।